पेज नंबर 212 क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 18 में है फॉर द कर्व y इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 2x की पावर 5 फाइंड ऑल द पॉइंट्स एट व्हिच द टेंजेंट पासस थ्रू द ओरिजिन। मुझे सारे वो पॉइंट बताने हैं जहां पर टेंजेंट ओरिजिन से पास करता है। Given curve y is equal to 4x cube minus 2x की पावर 5 y is equal to 4x cube minus 2x की पावर 5 find all the points at which the tangent passes through the origin। चलिए टेंजेंट निकालते हैं पहले तो। फोर एक्स क्यूब माइनस टू एक्स की पावर 5 डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो वाई क्या हो जाएगा डीवाई बाई डी एक्स। डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू 4 थ्री जा 12 एक्स स्क्वायर माइनस 10 एक्स की पावर 10 एक्स की पावर 4 ये हो गया। ठीक है ये हमारा स्लोप है टेंजेंट का स्लोप है। अब इन्होंने बोला है फाइंड ऑल द पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट पासेस थ्रू द ओरिजिन। फिर टेंजेंट ओरिजिन से पास हो तो अगर मान लीजिए हमारे पास जो कर्व है वो कर्व मान लीजिए ये दे रखा है और ये टेंजेंट की इक्वेशन दे रखी है तो y एक्सिस ये हो गया x एक्सिस ये हो गया o। Find all the points at which the tangent passes through the origin। अब ऐसा हो सकता है हमारे पास कि हम ये कहें कि भाई टेंजेंट जो है वो ओरिजिन से पास होना है। अब जो ये कर्व दे रखा है ना 4x क्यूब माइनस 2x की पावर 5 ये कर्व मैंने तो ऐसा बना दिया। ऐसा हो सकता है कि ये जो कर्व है ये इस तरीके का हो। ऐसा हो सकता है कि ये कर्व ऐसा हो ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे तो एक ही कर्व तो एक ही है कर्व तो एक ही है लेकिन है क्या कि वो दो या तीन पॉइंट्स पर उस पर वो टेंजेंट जो एक ही लाइन है वो दो या तीन पॉइंट्स पर टच होती भी जा रही है। तो क्वेश्चन देखकर ये लगता है फॉर द कर्व y इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 2x की पावर 5 फाइंड ऑल द पॉइंट्स एट व्हिच द टेंजेंट पासस थ्रू द ओरिजिन। ये जो टेंजेंट है ना मुझे वो सारे पॉइंट्स बताने हैं कि वो सारे पॉइंट्स बता रहे हैं जिन पॉइंट्स पर वो टेंजेंट है और टेंजेंट अल्टीमेटली जो है वो ओरिजिन से पास हो रहा है। ये समझ में आया क्वेश्चन में या नहीं? यस सर। है ना तो टेंजेंट जो है वो अल्टीमेटली पास हो रहा है ओरिजिन से लेकिन कई और पॉइंट्स से भी वो पास होता हुआ आ रहा है तो मुझे वो पॉइंट्स बता रहे हैं। ठीक अब हम क्या करेंगे हमने यहाँ पर देख लिया कि ये 0-0 पॉइंट से तो पास हो ही रहा है टेंजेंट। अच्छा और स्कोप हमने ये निकाल लिया। अब हम ये कहेंगे सिंस द टेंजेंट पासेस थ्रू द ओरिजिन सिंस द टेंजेंट पासेस थ्रू द ओरिजिन क्योंकि टेंजेंट ओरिजिन से पास हो रहा है
तो स्लोप कितना निकलेगा बताएंगे? At 0, 0 अगर मैं स्लोप निकाल दूं, therefore dy by dx at 0, 0 ना, तो ये 0 ही हो जाएगा. 1 into 0 का स्क्वायर माइनस 10 into 0 की पावर 4, तो ये हमारे पास अल्टीमेटली 0 आ गया. तो स्लोप 0 आ गया. अब जब स्लोप 0 आ गया तो हम ये निकाल सकते हैं कि इक्वेशन निकाल सकते हैं टेंजेंट की. चलिए जी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी? मैंने बोला y माइनस y1 is equal to m into x minus x1. यहाँ पर चाहे ये पॉइंट लो, चाहे ये लो, चाहे ये लो, चाहे ये लो, कितने भी पॉइंट लीजिए. मैंने फॉर एग्जांपल, मैंने एग्जांपल के तौर पर ऐसा ये टेढ़ा मेढ़ा कर्व बनाया है. हो सकता है ये कर्व कुछ और बने, ठीक है, पर इतना श्योर है कि ये जो टेंजेंट है, जो यानी कि टेंजेंट एक स्ट्रेट लाइन है, वो स्ट्रेट लाइन 0, 0 यानी कि ओरिजिन से तो पास हो रही है, लेकिन उसके अलावा वो जो कर्व है ना, उस कर्व पर दो या तीन जगह पर टेंजेंट होती हुई जा रही है. ठीक है, तो हमने ये बोला कि जब मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन होती है, जैसे कि टेंजेंट भी एक स्ट्रेट लाइन है, तो जब हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन होती है तो उसके लिए मेरे मतलब अगर उसका स्लोप मैं बना सकता हूँ, तो स्लोप जैसे मान लीजिए मेरे पास आ गया dy by dx, ये आ गया. ठीक, मैं जानता हूँ कि ये जो टेंजेंट है ये 0, 0, 0, 0 से भी पास हो रहा है, तो मैंने x की जगह 0 डालकर मैंने क्या करा, मैंने स्लोप की वैल्यू निकाल ली, स्लोप की वैल्यू निकाली यानी कि m निकाल दिया, m मैंने यहाँ पर डाला. अब y1 क्या है? 0 और x1 क्या है? 0. तो ये क्या हो गया? y minus 0 is equal to 0 into x minus 0. तो ये ultimately मेरे पास equation of tangent क्या आ गया? y is equal to 0. Equation of tangent क्या आ गया? y is equal to 0. y is equal to 0 का मतलब क्या है? y is equal to 0 implies that tangent is, tangent क्या हो गया? x axis. जो गिवन कर्व है उसमें वैल्यू डालेंगे, जो गिवन कर्व है उसमें y की वैल्यू डालेंगे. अच्छा, मेरी बात बात को मैं आपको चीज बताता हूँ कि जैसे ये है कि टेंजेंट इज x एक्सिस, ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? भाई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या है मेरे पास? y is equal to 0. y is equal to 0 किसकी इक्वेशन होती है? x एक्सिस की. x एक्सिस की है ना. तो अब सवाल ये उठता है कि वो पूछ रहे हैं कि सारे के सारे पॉइंट्स क्या होंगे. अच्छा, तो ये x एक्सिस आ गया, x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होगी. अब आप क्या करेंगे, जो ये गिवन कर्व है, इस गिवन कर्व पर आप y की वैल्यू 0 डालकर और x की जो भी वैल्यूज आ सकती हैं वो आप निकालेंगे. ठीक, मैं यही पूछ रहा था. हाँ, मैं यही पूछ रहा था. हाँ, मैं वही बिल्कुल सही पूछ रहा था. हमने y is equal to 0 यहाँ पर डाल दिया. नाउ क्योंकि y is equal to 0 तो इक्वेशन आ गई किसकी? टेंजेंट की. लेकिन वो टेंजेंट कर्व पर किस किस पॉइंट पर टच कर रहा है, वो पॉइंट ऐसे आ जाएंगे. पुट y is equal to 0 इन द कर्व्स इक्वेशन. भाई बाकी सभी बच्चों को भी क्लियर है ना? यस सर. यस सर. ठीक है, 4x cube minus 2x की पावर 5 0 is equal to 2, यहाँ पर कॉमन ले लिया, और x cube तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास 2 minus 2, तो मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा x square. अब क्योंकि x की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है, x is a variable, तो उसको मैं 0 के नीचे नहीं लेकर जा सकता, 2 is a constant इसको ले जा सकता हूँ. तो ये हमारे पास हो गया x cube और bracket में 2 minus x square is equal to 0. तो x cube is equal to 0 और 2 minus x square is equal to 0. तो x is equal to 0 आ गया एक तो, और x is equal to plus minus under root 2. तो मुझे पॉइंट्स पूछ रहे हैं, वो पॉइंट्स क्या होंगे? Therefore required points
एक तो देखो x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 0 एक पॉइंट तो है ही ओरिजिन तो ओरिजिन है ठीक है और दूसरा पॉइंट बाकी के जो दो पॉइंट्स हैं वो हो गए x की वैल्यू रूट टू y की वैल्यू 0 x की वैल्यू माइनस रूट टू और y की वैल्यू 0 बताइए सभी बच्चों को क्लियर है यस सर आंसर एक बार पीछे आंसर कुछ और दे रखा है पीछे क्या दे रखा है 1, 2, -1, -2 और 0, 0 और शायद हम 2x³ को ही लेंगे 2x³ को क्या लोगे अच्छा नहीं सर कुछ नहीं x³ इतना है ना y इतना ठीक तो है देखता हूँ एक मिनट तो मेरे को कुछ और दे रखा 6.3 0 0 1 2 और -1 -2 इस तरह ही दे रही करते हैं 1 2 और 1 -1 -2 हाँ हमने कुछ x³ कॉमन ले लिया भाई वाई की वैल्यू तो 0 ही आ रही है गलती अगर हुई होगी तो यहाँ पर हुई होगी क्वांटम लेते हैं टेंजेंट वाला अगर इस पॉइंट को मैं लेता हूँ x और y ये सिर्फ x की टर्म्स में आ जाएगा चलिए जी इसके अलावा बताइए इसके अलावा है और कोई क्वेश्चन अगर ये गलत है तो इसको होल्ड पर डाउनलोड में कराता हूँ नेक्स्ट क्लास में इसके अलावा कोई और क्वेश्चन टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स में इसके अलावा कोई क्वेश्चन है किसी भी बच्चे के पास नहीं नो सर चलिए ठीक है अगर बाय चांस ये गलत भी कर लिया ना हमारे पास अगर अगर इस क्वेश्चन में गलती हो सकती है तो वो गलती यहाँ हो सकती है अगर इस क्वेश्चन में गलती हो सकती है तो वो गलती इसमें हो सकती है जो हमने स्लोप निकाला है ठीक है वो मैं आपको वेरीफाई करके बता दूंगा इसके अलावा किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो बताओ तो एक क्वेश्चन दिया था मैम ने एक्स्ट्रा क्वेश्चन ही है क्वेश्चन नंबर 4 नहीं नहीं सर मतलब स्कूल वाली मैम हार्डी पे क्वेश्चन दिया था बताइए So question is find an angle theta which increases twice as fast as its cosine. बोलो find the angle theta which increases which increases increases twice as fast. एक बार बोलो twice as fast as its cosine. Increases twice as fast. As its cosine. Its cosine. Find the angle theta which increases twice. अच्छा. Which increases twice as fast as its cosine. ठीक है. y को मान लिया थीटा y को माना हमने थीटा और x को माना हमने cos थीटा
y को मान लिया थीटा और x को मान लिया cos थीटा। अच्छा फाइंड द एंगल थीटा, फाइंड द एंगल थीटा, थीटा निकालना है मान लिया, व्हिच इंक्रीजेस ट्वाइस एज फास्ट। थीटा क्या है, y है, तो y में जो इंक्रीज होता है वो क्या हो गया dy, ठीक है। अच्छा और व्हिच इंक्रीजेस ट्वाइस एज फास्ट एज इट्स कोसाइन, कोसाइन क्या है x, यानी कि dy इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ dx है। ये बताओ ये समझ में आया कि नहीं? Yes, हमारे पास दो चीजें दे रखी हैं, एक दे रखा है एंगल थीटा व्हिच इंक्रीजेस ट्वाइस एज फास्ट एज इट्स कोसाइन। तो मेरे पास दो फंक्शन है, एक फंक्शन तो दे रखा है थीटा और एक फंक्शन दे रखा है कॉस थीटा। तो जो थीटा है वो अपने कोसाइन से दुगनी स्पीड से इंक्रीज कर रहा है। अगर वो डिक्रीज बोलते तो मैं यहाँ पर माइनस लगा देता, वो इंक्रीज बोल रहे हैं। तो dy इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ dx, ये बता दीजिए इतना क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, यहां से मैं ये कह सकता हूँ dy by dx is equal to 2 हो गया, फिर y जो है वो भी थीटा के टर्म्स में और x भी थीटा के टर्म्स में, तो पैरामेट्रिक फंक्शन हो गया ये। मैं क्या करूंगा dy by d थीटा निकाल लूंगा और dx by d थीटा निकाल लूंगा, तो ये ऐसे हो गया। सर ये dy is equal to 2dx एक बार फिर से बता दीजिए। ये बता रहा हूँ, y is, ये तो समझ में आ गया? Yes sir. है ना, इन्होंने बोला है कि find the angle theta which increases, theta में थोड़ा सा increase हो रहा है, तो theta में थोड़ा सा जो increase हो रहा है उसको मैं क्या बोलूंगा, d theta बोलूंगा basically मैं, है ना। पर मैंने क्या करा, मैंने theta को एक अलग function मान लिया, y मान लिया, तो यानी कि अगर y में थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है तो थीटा में भी इंक्रीज हो रहा है, मतलब थीटा में थोड़ा सा इंक्रीज होने का मतलब dy हो गया है, क्योंकि थीटा एक फंक्शन है y। ये समझ में आ गया, dy, dy मतलब y में थोड़ा सा इंक्रीज होना, और which increases twice as fast, तो वो twice इंक्रीज होता है किसके, कि जितना cos थीटा इंक्रीज हो रहा है ना उसके twice के बराबर इंक्रीज होता है थीटा, तो dy is equal to twice of dx हो गया। ओके सर, हाँ, थीटा में जो इंक्रीज है वो एक फंक्शन हो गया, कॉस थीटा में जो इंक्रीज है वो दूसरा फंक्शन हो गया। थीटा में जो इंक्रीज है वो क्या है dy, कॉस थीटा में जो इंक्रीज है वो क्या है dx, दोनों का रिलेशन क्या है कि थीटा का इंक्रीज कॉस थीटा की इंक्रीज का ट्वाइस है। क्लियरली समझ गए? यस सर। ठीक है, तो dy इज इक्वल टू 2 dx हो गया, dx को लेना है नीचे, तो dy / dx इज इक्वल टू 2 हो गया, जिसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। फिर अगर y इज इक्वल टू थीटा है तो dy by d theta कितना हो जाएगा 1, ये बताओ 1 समझ में आ गया सर? 1 upon 1 minus sin theta रहा, हाँ आता तो नहीं, dy by d theta is equal to इतना और dx by d theta कितना हो जाएगा minus sin theta, ठीक है। अब क्या करो, dy by dx is equal to dy by d theta अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा, और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू 2 है, तो डी वाई बाई डी थीटा कितना 1 और डी एक्स बाई डी थीटा कितना है माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 2, माइनस को इधर चला गया, मतलब ये हमारे पास आ गया साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2। बताओ कितना समझ गए? ईशान समझ में आ गया? ओजस सभी को क्लियर है कि नहीं? यस सर। ठीक है, चलिए मैं एक चीज और बताता हूँ, जैसे साइन थीटा माइनस 1 बाई 2 हो गया, तो हम क्या करेंगे, मैं इसको लिखूंगा साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन 30 डिग्री, ये तो होगा है ना। अच्छा,
और साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, साइन माइनस 30 डिग्री। ठीक, आंसर पता है इसका? अदिति आंसर मालूम है? सर मैं एक बार देख लूंगी आंसर। सेवन पावर सिक्स आना चाहिए। बिल्कुल सही, अगर आपको नेगेटिव एंगल लिख सकते हो तो आप माइनस 30 लिख देना, और नहीं तो हम इसका क्या करेंगे, हम इसको कन्वर्ट करके देखेंगे पॉजिटिव में, और पॉजिटिव में कैसे करते हैं, दो ले लेते हैं कि साइन माइनस 30 और माइनस साइन 30। बिल्कुल इवन मल्टीपल से लेकर चलेंगे, मैं साइन माइनस 30 लेकर चलता हूं, तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 90 इंटू 2 प्लस माइनस कितना 150 नहीं 210। मैं ये वाला केस लेकर चल रहा हूँ, आप इसको माइनस साइन 30 बोलो तो भी ठीक है, आप इसको साइन माइनस 30 बोलो तो भी ठीक है, दोनों ही चीजें ठीक है क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर होता है। ठीक है, तो मुझे इसमें क्या करना है कि मैं ये वाला केस लेकर चल रहा हूँ कि जब अंदर माइनस 30 है तो हमने कहा कि मैं 90 के इवन मल्टीपल्स चेक करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये नेगेटिव एंगल हट जाए, ये नेगेटिव साइन हट जाए, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, साइन 90 इंटू 2 करा यानी कि 180 कर दिया। 180 में क्या ऐड करूं कि ब्रैकेट के अंदर माइनस 30 डिग्री बचे, 180 में क्या ऐड करेंगे कि ब्रैकेट के अंदर माइनस 30 डिग्री बचे, हम क्या करेंगे 180 प्लस माइनस 210, ये क्या हो जाएगा माइनस 30 डिग्री ही बचेगा अंदर। जब 90 इंटू 2 यानी कि 180 डिग्री में जब कुछ ऐड होता है तो वी मूव इनटू थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में ऑल स्टूडेंट्स टेक, थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ 10 पॉजिटिव होता है, मैं साइन की बात कर रहा हूँ तो साइन हो जाएगा नेगेटिव, तो साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस, और ये इवन मल्टीपल है, इवन का मतलब साइन का साइन ही आएगा, और माइनस 210 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 210 डिग्री, पॉजिटिव हो गया तो थीटा इज इक्वल टू 210, जिसको हम क्या बोलते हैं 7π/6। आप देख लेना इसका आंसर डेफिनेटली यही होगा 7π/6। साइन के केस में हम जब नेगेटिव में आता है तो माइनस साइन 30 नहीं लेकर चलते, हम साइन माइनस 30 लेकर चलते हैं, वही अगर टेन का केस होता तो मैं उसमें माइनस 10-30 डिग्री लेकर चलता, बता दी तो ना। अगर भाई चंद भूल भी गए होंगे तो बता देना, मेरे को किसी दिन क्लास ले लूंगा इसकी, मैं बता दूंगा कैसे करते हैं। चलिए जो और बता दीजिए मेरे को, टेंजेंट नॉर्मल पे कहीं अभी कोई प्रॉब्लम, ये वाला क्वेश्चन जो है, ये वाला क्वेश्चन मैं एक बार रीचेक करके बता दूंगा आपको इसमें हम कहां गलती कर रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर 18 था, उसके अलावा तो नहीं कुछ। लास्ट क्लास में क्वेश्चन रह गया था, अगला करते हैं अप्रोक्सीमेशन स्टार्ट, पेज नंबर 214 पर आ जाइए सभी बच्चे, पेज नंबर 214। इसमें है यूज डिफरेंशियल्स टू अप्रोक्सीमेट अंडर रूट 36.6 एग्जांपल 21 यूज डिफरेंशियल्स टू अप्रोक्सीमेट अंडर रूट 36.6। क्या आप सभी बच्चे अभी कैलकुलेटर है आप लोगों के पास? नो सर। कैलकुलेटर है सभी के पास, अभी देख सकते हो कैलकुलेटर से कुछ सॉल्व कर सकते हो? हाँ जी सर हो जाएगा। आप एक काम करो सभी बच्चे मेरे को ये बता दो एक एक करके कि अंडर रूट 36.6 की वैल्यू क्या होगी, ये कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके बता दो।
6.049 आ रहा है, ठीक है? Yes. है ना, तो 6.049 है, ठीक। और किसी बच्चे का कुछ अलग आ रहा हो तो बता दो मुझे। नहीं सर, यही है। यही है ना, तो अब सेम है क्या? सेम है सर। ठीक है ना, तो अब आप एक काम करिए, जैसे 6.049 है, आप अप्रोक्सीमेटली इसको मान लो चलो 6.05, ठीक। अब हम डिफरेंशियल का कोई एक ऐसा मेथड देखते हैं कि जिससे हमारा ये काम थोड़ा सा आसान हो जाए। देखो एक तरीका होता है इसमें, जैसे हमारे पास ये है अंडर रूट 36.6, तो आपने इसमें एक काम करिए, इसमें अंडर रूट 36.6 को हम लिखेंगे अंडर रूट 36.6 ऐसा होगा कि आपको जो भी वैल्यू दे रखी हो, जिसकी भी आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी हो, तो आपको उसमें क्या करना होगा, जैसे अंडर रूट 36.6 है तो आप ये देखेंगे कि बेसिकली मुझे फंक्शन क्या दे रखा है यहाँ पर, तो आप देखेंगे फंक्शन दे रखा है स्क्वायर रूट फंक्शन, ठीक है। तो यानी कि अगर मान लीजिए 36.6 को मैं x मानकर चलूँ इस पूरे टर्म को, तो एक तरह से मेरे पास ये क्या हो गया कि x की पावर और अपॉन 2 हो गया। तो मैंने बोला y इज इक्वल टू अंडर रूट x, फंक्शन हमारे पास क्या है, अंडर रूट फंक्शन है, स्क्वायर रूट फंक्शन, ठीक। तो इसका मतलब ये हो गया y इज इक्वल टू रूट x, इसको बोलिए इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। आप लोग समझ जाओगे कि कितने आसान तरीके से हम इसमें डिफरेंशियल का यूज करके हम अंडर रूट 36.6 निकाल सकते हैं। तो आप ये देखो कि जब हम ये देखते हैं कि 36.6 है, तो एकदम से मन में ये आता है कि भाई इसके आसपास का परफेक्ट स्क्वायर ढूंढो, तो 36.6 के आसपास का परफेक्ट स्क्वायर है 36, ठीक है। तो हम ये कहेंगे x is equal to 36, और फिर हो क्या रहा है कि 36 में मामूली सा चेंज हो रहा है, मामूली सा चेंज हो रहा है, कितना 0.6 का। तो आप ये कहेंगे कि डेल्टा 11th में फिजिक्स में एरर एनालिसिस था, उसी की तरह है बिल्कुल, x हो गया 36 और डेल्टा x हो गया 0.6, ठीक है, ये हो गया। लेकिन इसमें क्या होता है ना, जैसे एरर एनालिसिस था, तो एरर एनालिसिस में हम क्या करते थे, परसेंटेज एरर निकालते थे, एब्सोल्यूट एरर निकालते थे, रिलेटिव एरर निकालते थे। रिलेटिव एरर आते ही हमारे पास परसेंटेज एरर में कुछ नहीं, बस मल्टीप्लाई करना होता था 100 से, ठीक। तो वो तो एरर निकालने वाली चीज हो गई, एरर तो यहाँ पर भी वही है, पर वो एरर वाली चीज आती नहीं है। एग्जाम में पूछा जाता है कि आप इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताओ, ये वाले क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जैसे अंडर रूट 36.6 है, तो आप ये देखोगे कि जो बेसिक फंक्शन है वो क्या है, स्क्वायर रूट फंक्शन। तो मैं 36 का स्क्वायर रूट आसानी से निकाल सकता हूँ, तो जो काम मैं आसानी से कर सकूं उसको तो मान लो x, x हो गया 36, और 0.6 इसका मैं नहीं निकाल पाऊंगा, मतलब ये क्या है 36 में मामूली सा चेंज, यानी कि x में मामूली सा चेंज कितना हो गया 0.6, ये समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, संजना, मुस्कान, शिवांगी, क्लियर है तीनों को? Yes, sir. ठीक है, चलिए अब मैंने ये yes, ठीक है। अब देखिएगा, जब हमारे पास ये दोनों वैल्यूज आ गए, अब मैं क्या करूंगा, मैंने बेसिक फंक्शन माना था y is equal to under root x को, तो अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, इक्वेशन 1 को x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर दिए, क्या होगा dy by dx dy by dx is equal to 1 upon 2 root x, ये हो गया, ठीक है। अच्छा इसके बाद सर, अगर हमें दिया हो 89.4 ऐसा कुछ दिया हो,
पहले ये चीज करा के उसको मैं होगी बता दूंगा, मतलब ये कह रहा हूँ ना कि जिसके आसपास कोई परफेक्ट स्क्वायर ही ना हो, ऐसा पूछ लो, कुछ और पूछ लो। तो यही पूछ रही हूँ कि आसपास कोई हो ही ना परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अब बता। जैसे डिवाइड बाय dx आ गया हमारे पास 1 / √x। अच्छा, तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, मैं इस dx को उधर ले जाऊंगा, dy इज इक्वल टू हो गया 1 upon 2 root x into dx. अब इस dy को हम क्या बोल सकते हैं, delta y is equal to 1 upon 2 root x. delta y बोलो या dy बोलो एक ही बात है, इसी तरह से dx बोलो या delta x बोलो एक ही बात, 1 upon 2 under root x की वैल्यू क्या थी 36, delta x की वैल्यू क्या थी 0.6, तो 1 upon 2 multiply by 6 multiply by 0.6, नीचे आ गया 10, 6 से 6 कर गया, डेल्टा y आ गया 1 upon 20, डेल्टा y आ गया 1 upon 20, 1 upon 20 क्या होता है 0.05, कितना 0.05, ये हो गया 0.05, डेल्टा y की वैल्यू आ गई मेरे पास 0.05। अच्छा, y की वैल्यू क्या है, ओरिजिनली जो दे रखी है अंडर रूट x, और x क्या है 36, अंडर रूट 36, ये वैल्यू क्या आ गई 6, मेरे पास y की वैल्यू 6 आ गई, डेल्टा y की वैल्यू 0.05 आ गई, तो जो भी मुझे वैल्यू दे रखी होती है ना, अंडर रूट 36.6, ये हो गया y प्लस डेल्टा y, y इज इक्वल टू 6 प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू 0.05, आंसर आ गया 6.05। बता दीजिए, ज्यादा मेहनत तो नहीं करनी पड़ी, बस एक चीज याद रखिए, जो भी आपकी वैल्यू निकल कर आएगी, आपने जो भी एक्स माना है उसकी हेल्प से आपकी वाई की वैल्यू निकल आएगी, तो जो भी चेंज आएगा वाई में, बस उसको जो वाई में चेंज आएगा वो आ गया डेल्टा वाई, उसको वाई में ऐड कर दें, y प्लस डेल्टा y करेंगे तो जो उन्होंने वैल्यू पूछी है वो एग्जैक्ट वैल्यू आपके पास है। आप खुद देखिए 6.05 आ गई, और अगर आप इसका स्क्वायर रूट लेने बैठ जाते हैं तो फिर वो जो बेसिक मेथड है वो तो आपके पास है ही, उस बेसिक मेथड से करोगे तो भी यही आएगा, कैलकुलेटर से करोगे तो भी यही आएगा, और ये डिफरेंशियल वाला मेथड हो गया। बता दीजिए, समझ में आया कि नहीं सभी को? यस सर। आपको करना क्या है, आप बस ये देखेंगे कि बेसिक फंक्शन क्या बन सकता है, तो मैंने ये देखा कि ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट कोई बेसिक फंक्शन मान लो, ठीक है, तो जैसे मान लीजिए, अब मैं अगर मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल नंबर 22 की बात करूं, तो एग्जांपल नंबर 22 में 25 की पावर 1/3 दे रखा है, तो मैं बेसिक फंक्शन मानूंगा x की पावर 1/3, जैसे यहाँ क्या था स्क्वायर रूट, वहां हो जाएगा 1/3 क्या होता है क्यूब रूट, तो एग्जाम्पल 22 करें एक बार। ओके सर। यस सर। हाँ जी, देखते हैं जरा, बस ये याद रखिएगा कि सबसे पहले ओरिजिनल फंक्शन मानना है, और फिर जो भी चीज दे रखी हो उसके हिसाब से मैं एक्स और डेल्टा एक्स मानूंगा। देखो जैसे एग्जांपल नंबर 22 में आराध्या, क्लियर है ये चीज? यस सर। ठीक है जी, एग्जांपल नंबर 22 में है, यूज डिफरेंशियल्स टू अप्रोक्सीमेट अप्रोक्सीमेट 25 raised to the power 1/3
y is equal to x to power 1 by 3 x to power 1 upon 3 अब जैसे 25 का क्यूब रूट निकालना है तो आप एक ऐसा नंबर देखो आसपास 25 के आसपास जो परफेक्ट क्यूब हो क्योंकि परफेक्ट क्यूब का क्यूब रूट आसानी से निकाला जा सकता है 3 का क्यूब परफेक्ट क्यूब बताइए 3 का परफेक्ट क्यूब क्या हो गया 27 तो आप यहां पर क्या करिए देखिएगा ये हो गया y = x पावर 1 / 3 इक्वेशन नंबर 1 फिर आप बोलिए लेट x is equal to 27 and delta x is equal to minus 2 भाई दोनों का जो एडिशन है वो इसके बराबर होना चाहिए 25 के बराबर तो 27 plus minus 2 समझ में आ गया 25 हो जाएगा यस सर नियति क्लियर है यस सर इसके बाद में क्या करना है बिल्कुल वही एक एक स्टेप बिल्कुल सेम होना है जैसा इस क्वेश्चन में करा तो सभी क्वेश्चंस एक जैसे होंगे Differentiate equation 1 with respect to x. Equation 1 को differentiate करिए. Differentiate equation 1 with respect to x. X के respect को differentiate करेंगे. Y is equal to x की power 1 upon 3 है. तो dy by dx क्या हो गया? 1 upon 3 x की power 1 upon 3 minus 1. So dy by dx is equal to 1 upon 3 x to the power minus 2 upon 3 1 upon 3 x to the power minus 2 upon 3 ये हो गया अब आप क्या करिए इस dx को इधर ले जाइए जैसा मैंने इससे पहले क्वेश्चन में करा था 1 upon 3 x to the power minus 2 upon 3 और dx को मैं इधर ले अब dy बोलिए या डेल्टा y बोलिए वो एक ही बात है ये हो गया डेल्टा y is equal to 1 upon 3 x की power minus 2 upon 3 और फिर इधर हो गया delta x ठीक है now अब जो जो values मेरे पास हैं वो डाल दीजिए delta y is equal to 1 upon 3 x क्या था x था 27 तो 27 की power minus 2 upon 3 multiply by delta x क्या है minus 2 ये हो गया minus 2 चलो 1 upon 3 27 को आप क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 3 और पावर क्या minus 2 by 3 तो पावर की पावर ना मल्टीप्लाई हो जाती है तो 3 into minus 2 by 3 हो जाएगा ये minus 2 है ही तो ये हो गया 1 upon 3 3 की पावर 3 into minus 2 by 3 3 से 3 कट गया multiply by minus 2 अब ये 3 की power minus 2 बचा इस तरफ कर रहा हूं इसको मैं देखिए 3 की पावर माइनस 2 है और अपॉन 3 ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 3 की पावर 3 बताओ ये समझ में आ गया इनटू माइनस 2 तो माइनस 2 अपॉन 27 आ गया है ये सब बच्चों को क्लियर है कि नहीं माइनस 2 अपॉन 27 यस सर यस सर ठीक है ईशान कृतिका Yes, sir, clearly. Ishan, online ho? Ishan, nahi hai? Ah, nahi hai. Chaliye, dekhte hain. Ye minus 2 upon 27 ho gaya. Dekhiye kya hua tha? Ye tha 3 ki power minus 2. Ye denominator mein chala jayega, to 3 ki power 2 ban jayega. Niche already 3 ki power 1 tha ye. 3 की पावर 1 into 3 की पावर 2 3 into 9 यानी कि डिनोमिनेटर में 27 और ऊपर तो माइनस 2 था तो माइनस 2 अपॉन 27 ये आ गया डेल्टा y अब बात करेंगे y की y क्या है y है x की पावर 1 / 3 और बेटा x क्या है 27
तो y है 27 की पावर 1 अपॉन 3 मतलब जीरो आ गया 3. देयरफॉर 25 की पावर 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू y प्लस डेल्टा y. y है 3 और डेल्टा y है माइनस 2 अपॉन 27. तो ये हो जाएगा 27 3 का 81 माइनस 2 अपॉन 27 सॉरी ये हो गया 79 अपॉन 27. या तो फ्रैक्शन में छोड़ दीजिए और जब अप्रोक्सीमेट वैल्यू बोली जाती है तो मैं इसको डिवाइड करता हूँ. तो डिवाइड करेंगे चलो 2.926. सर वो एनसीईआरटी में आंसर दिया हुआ है 2.926. हमें कैसे 2 डेसिमल प्लेसेस तक लिखना होता है ना, मतलब सिंपलीफाई करके 2 या 3 किसी पे भी छोड़ सकते हैं. वो आपकी मर्जी है. हाँ मतलब ज्यादा जो सही है वो 2 डेसिमल प्लेस तक ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. 3 डेसिमल प्लेस तक करोगे और अच्छा है. ओके सर. 3 तक वो आपकी मर्जी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. क्योंकि अप्रोक्सीमेशन वाला है ना, तो अप्रोक्सीमेशन में जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन था तो उसमें हो सकता है कोई बच्चा 6.049 निकालता आंसर और कोई निकाल रहा है 6.05, तो वो दोनों ही ठीक है. ओके सर. अब हम 79 को 27 से डिवाइड करेंगे तो करूं या कर लेंगे अपने आप? सर हो जाएगा. मैंने ना जो आपका माइनस 2/27 आ रहा था ना, मैंने वहीं पे डेसिमल निकाल लिया था तो माइनस 0.07 आ गया. तो मैंने उसी को 3 में से माइनस कर दिया. सही है. तो भी सही. इन्होंने भी वही करा है. इन्होंने देखिए डीवाई की वैल्यू निकाल रखी है. ये देखिए यहाँ पर है माइनस 0.074 ये वैल्यू आ गई इनकी. ठीक है चलिए अगला देखते हैं. एग्जाम्पल नंबर 23 फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ. ये भी बिल्कुल उसी के जैसा है. यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जैसे मुझे फंक्शन एज्यूम किया था मैंने, यहाँ मैंने माना वाई की वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/3. तो यहाँ मुझे एज्यूम करने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ फंक्शन पहले से ही दे रखा है. देखिए क्या है. एग्जाम्पल नंबर 23 में फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ एफ 3.02 where fx is equal to this. ठीक है. Find the approximate value of f 3.02 f और ब्रैकेट में 3.02 where fx is equal to 3x square plus 5x plus 3 where fx is equal to 3x square plus 5x plus 3 3x square plus 5x plus 3. अब क्या है कि अब यहाँ पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ तो इतना बड़ा फंक्शन दे रखा है तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ पर मैं किस तरीके से इसको लेकर चलूँ. मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर के हिसाब से लेकर चलूं या मैं नॉर्मल टर्म की तरह लेकर चलूं, क्या करना है? तो आप ये देखिए 3.02 है ना, तो आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली आप क्या कहेंगे कि जैसे ये दे रखा है fx is equal to this दे रखा है. fx को मैं जनरली क्या बोल देता हूँ, y बोल देता हूँ. y is equal to 3x square plus 5x plus 3 इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1. फिर हम अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली ज्यादा क्या कन्वीनियंट है कि x को मान लो 3 और डेल्टा x को मान लो 0.02. तो दैट x इज इक्वल टू 3 एंड डेल्टा x इज इक्वल टू 0.02. दैट x इज इक्वल टू 3 एंड डेल्टा x इज इक्वल टू 0.02. तो एक चीज ये बता दीजिए, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, क्योंकि मुझे इसमें नहीं पता है कि मैं यहाँ पर स्क्वायर रूट निकालने वाला हूँ या क्यूब रूट निकालने वाला हूँ. तो मैं इसमें क्या करूंगा, मैं अपने हिसाब से मान लूंगा. अगर आपको लगता है कि जो 3x को 3 माना है और डेल्टा x को 0.02 माना है ये तो बेकार मान लिया, मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो आप क्या कर सकते हो, आप इसको x को 2 मान सकते हो और डेल्टा x को 1.02 मान सकते हो.
ठीक है, रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला बिल्कुल से। आप इसको ऐसा भी कर सकते हो कि आप x को मान लीजिए 4 और y को मान लीजिए -0.98, तो भी आपका बिल्कुल सही आएगा। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, तो हमें क्या करना है, बेसिकली बस 0.02 है, फंक्शन के अंदर वाला जो नंबर दे रखा है हमको उसको स्प्लिट कर देंगे एक नॉर्मल नंबर में और एक थोड़ा सा फ्रैक्शन हो तो वो छोटा फ्रैक्शन हो, ज्यादा बड़ा फ्रैक्शन मत लेना। तो हमने क्या करा, आसान नंबर एक के लिए 3 हो गया और छोटा सा फ्रैक्शन क्या हुआ 0.02, तो मैंने ये लिया। अब क्या करेंगे, बिल्कुल उसी पैटर्न पर चलना है जो पैटर्न पहले आ रहा था, ये x की वैल्यू होगी, डेल्टा x की वैल्यू होगी। सबसे पहले आप इसको इक्वेशन 1 को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हो जाएगा डीवाई बाई डी एक्स is equal to x square का क्या हो जाता है 2x और 3 तो constant है 6x plus 5 0, ठीक है आगे तो 0 हो गया, dx को इधर ले जाओ 6x plus 5 into dx, dy की जगह लिखिए delta y, 6x plus 5 और dx की जगह लिख दीजिए delta x, ठीक है। अब मुझे x की और डेल्टा x दोनों की वैल्यू मालूम है, वो सब्स्टिट्यूट कर दो, तो 6 मल्टीप्लाइड बाय x का क्या है 3, 6 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा x कितना है 0.02, तो 6 3 का 18, 18 प्लस 5 23 मल्टीप्लाइड बाय 0.02 कितना 0.02 हो जाएगा 0.46। डेल्टा वाई की वैल्यू सबको समझ में आ गई, ठीक है। अब मुझे वाई की वैल्यू निकालनी है तो सिंपली एक्स की वैल्यू डालो आप उसमें, वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 एक्स स्क्वायर, एक्स क्या है 3, तो 3 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 3 प्लस 3, 3 3 का 9 3 का 27 प्लस 5 3 is 15 plus 3, so 27 plus 15, 42, 45 हो गया। Therefore, बस अब कुछ भी नहीं करना आपको, आप लिखेंगे f 3.02 is equal to y plus delta y, मतलब 45 plus 0.46, 45.46। बताइए जी सबको समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, तो आप एक ही मेथड लेकर चलिए, गलत नहीं होगा आपका। एक फंक्शन ले लिया, उस फंक्शन के बाद जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि फंक्शन के आगे कोई वैल्यू दे रखी है आपको, तो आप अपने हिसाब से अनकन्वीनियंट जो वैल्यू हो, जो कन्वीनियंट हो, जिसमें आसानी हो आपको, वो वैल्यू ले लीजिए। तो एक वैल्यू 3 ले ली और एक डेल्टा एक्स को ले लिया 0.02, ठीक है। ऐसे ही अगर मान लीजिए मुझे अगला देखना है, find the approximate change in the volume of a cube of side x meters caused by increasing the side by 2%, ठीक है, increasing the side by 2%, ये दे रखा है। तो जरा देखिएगा, ये बोल रहा है find the approximate change in the volume। अब यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, अब यहाँ पर मुझसे सिर्फ change पूछा जा रहा है, approximate value नहीं पूछ रहे हैं, सिर्फ change पूछ रहे हैं कि volume में change कितना है, और volume किसका है, एक cube का है। तो हम इसमें क्या देखे, एग्जाम्पल 24 देखते हैं, में है फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम कैपिटल बी ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड एक्स मीटर्स, ठीक। तो सबसे पहले हम देखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम क्या हो जाएगा एक्स क्यूब,
जो सबको आते ही है, अगर कोई क्यूब है उसका वॉल्यूम निकालना है तो वो साइड का क्यूब होता है, साइड दे रखा है x, मीटर दे रखी है साइड, तो v is equal to x cube हो गया। नेक्स्ट अब ये पूछ रहे हैं फाइंड एप्रोक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम कैपिटल v ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड x मीटर्स कॉज्ड बाय इंक्रीजिंग द साइड बाय 2%। साइड को 2% इंक्रीज करना है तो साइड का क्या 2% इंक्रीज करोगे, साइड की लेंथ ही तो बढ़ाओगे 2%, ठीक है। तो इसका मतलब हमको ये बता रखा है कि अगर ओरिजिनली साइड हमारी x की, हम ये कहेंगे dx इज इक्वल टू कितना है, कितना चेंज हुआ, ठीक है। और ये बोल रहे हैं हमको कि cos by increasing the side by 2%, तो plus 2% of x ये करते हैं हम, तो ये अगर मान लीजिए वो डिक्रीज बोलते तो मैं माइनस ऑफ 2% ऑफ x लेता, तो ये कितना हो गया 2/100 मल्टीप्लाई बाई एक्स। बात है कि मेरी हाइट जो है वो मेरी जितनी ओरिजिनल हाइट थी उससे 2% बढ़ गई, तो मेरी ओरिजिनल हाइट का ही तो 2%, तो 2% ऑफ माई ओरिजिनल हाइट, तो ओरिजिनल साइड की लेंथ कितनी थी, एक्स थी ना, तो उसी का 2% बढ़ा है, तो 2% ऑफ एक्स, तो 2% ऑफ ओरिजिनल जो लेंथ थी वो उसका, तो 2/100 इंटू एक्स, अगर वो घटता डिक्रीज होता तो बेटा यहाँ पर माइनस लगा देते, ठीक है। पर 2/100 कितना हो जाएगा 0.02x, ये हो गया। फिर ये क्या पूछ रहे हैं कि साइड में इतना चेंज हुआ, इतना इंक्रीज हुआ साइड में, तो वॉल्यूम में कितना चेंज होगा, बोल रहे हैं ना फाइंड द एप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम, यानी कि v इतना दे रखा है, ये मुझसे dv पूछा है, बताइए क्वेश्चन सभी को क्लियर है ना? यस सर। अभी देखिए यस सर, dx की वैल्यू इतनी आ गई, v दे रखा मुझे x क्यूब, तो मैं क्या बोलूंगा dv by dx निकालूंगा, कैलकुलेट करेंगे dv by dx, dv by dx is equal to कितना हो जाएगा, v is equal to x cube था तो v को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो dv by dx हो गया, x cube को करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो ये हो जाएगा 3x square, तो dv is equal to कितना हो गया 3x square into dx, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x square और dx की वैल्यू क्या आई थी 0.0x 0.02x sorry 0.02x, ये dx की वैल्यू थी, मल्टीप्लाई करिए 3 इंटू 0.02 कितना हो गया 0.06 और x स्क्वायर इंटू x ये हो गया x क्यूब, तो 0.06 x क्यूब क्या मीटर क्यूब, ये बता दीजिए सबको क्लियर है कि नहीं? यस सर। ठीक है, अच्छा सर। सर अभी कुछ ऐसे न्यूज बता रहे हैं हमारे स्कूल के सर कि अब जो पेपर होगा मैथ्स का और फिर और सब्जेक्ट्स का तो उसमें 50% एमसीक्यू आने की बात चल रही है, किसने बताया? हाँ सर ये न्यूज आई है और 33% सिलेबस कम हुआ है। अच्छा सर, हमारी भी मैम कह रही थी। ठीक बता रहे हैं आपके टीचर, सिलेबस का जो पैटर्न है पैटर्न में तो ये चेंज आएगा कि जब आपका एग्जाम होगा ना और ये 9th से लेकर 12th तक वाले 4 साल के जो बच्चे हैं 9th 10th 11th 12th इनमें सिलेबस में चेंज हो रहा है, 33% की पहले बात हुई थी लेकिन अब वो अपडेटेड न्यूज ये है कि 30% सिलेबस कम होगा और ये पक्का है। वो कैसा कम होगा, एक भी चैप्टर नहीं कट रहा है, हर एक चैप्टर में से थोड़ा 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 सिलेबस थोड़े थोड़े टॉपिक्स हटा रहे हैं हर चैप्टर में से, चैप्टर सारे कवर हो गए, तो टोटल जो आपका सिलेबस है वो टोटल जितना पहले बच्चे पढ़ते थे वो जितना वो पढ़ते थे उनका 70% पढ़ेंगे आप, 30% तो कट रहा है सिलेबस, और दूसरा 50% एमसीक्यूज आएंगे और 50% सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, और कुछ प्लानिंग ऐसी भी है अब पता नहीं वो एग्जीक्यूट हो पाएगी या नहीं हो पाएगी क्योंकि करोड़ों बच्चे हैं तो पता नहीं वो एग्जीक्यूट हो पाएगी नहीं। प्लानिंग ये भी है कि सीबीएसई अपने हर एक स्कूल को इंस्ट्रक्शन देगी कि वो हर स्टूडेंट को सीबीएसई द्वारा ऑथोराइज्ड एक टैबलेट्स है वो टैबलेट्स प्रोवाइड करेंगे जिस पर ऑनलाइन क्लासेस चला करेंगे, और मुझे लगता नहीं
कि वो चीज इतना मतलब इतने मास लेवल पर अगर वो काम होना है तो मुझे लगता नहीं कि वो चीज पॉसिबल हो पाई, क्योंकि भी नहीं होता टेबलेट का यहाँ पर, वो सब चाइना से ही आता है और चाइना से वैसी लड़ाई चल रही है। तो कुछ ना कुछ ऑल्टरनेटिव निकलेगा, पर हाँ सिलेबस का पक्का हो गया है कि 70% सिलेबस आप लोग पढ़ेंगे, चैप्टर सारे पढ़ोगे, हर चैप्टर में से कुछ 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 टॉपिक्स वो हटा रहे हैं। और ये एमसीक्यू वाला भी पक्का हो गया, एमसीक्यू वाली भी 100% श्योर पक्की खबर है कि 50% आपका जो एग्जाम है, अगर मान लीजिए टोटल वो क्वेश्चंस कितने आएंगे ये मुझे नहीं पता अभी, क्योंकि अभी कुछ बताया ही नहीं है इस बारे में, ये अगर मान लीजिए टोटल 40 क्वेश्चन आने हैं तो उसमें से 20 क्वेश्चन एमसीक्यूज होंगे, बाकी के 20 क्वेश्चन सब्जेक्टिव होंगे। अब वो नया पैटर्न क्या होगा, वो 15 जुलाई तक का डेट दिया है इनको सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई, तो उससे ज्यादा आप डिले नहीं करेंगे, 15 जुलाई तक ही इनको लास्ट ईयर का 10th और 12th का रिजल्ट अनाउंस करना है, और 15 जुलाई तक ही आप लोगों का सिलेबस भी अनाउंस करना है। ये है, चलिए मैं इतना ही करा रहा हूँ, आप एक्सरसाइज 6.4 करने की कोशिश करना, और मैं ना कल दोपहर में ऐसे तो आज मेरी कोशिश थी नहीं हो पाया, कल दोपहर में आपकी क्लास लेने की कोशिश करता हूँ दोपहर में 3 बजे, तो मैसेज कर दूंगा, जो भी बच्चा कंफर्टेबल ना हो वो बता दे, कल ही बता देना मैसेज कर। सर इसी चैप्टर की? इसी चैप्टर। ओके सर। है ना, तो मैं ग्रुप पर मैसेज डाल दूंगा, जिस जिस बच्चे को प्रॉब्लम हो वो मेरे को इंस्टेंटली बता देना, मैं 1 या 2 बजे के आसपास मैसेज डालूंगा, अगर किसी को भी प्रॉब्लम हो उस टाइम से तो बता देना, मोस्ट प्रोबेबली मैं कल दोपहर में 3 बजे आपकी क्लास सर मेरा ट्यूशन रहेगा सर 2:30 से 3:30 और फिर एक और है 4:30 बजे से। 4:30 बजे से भी है सर, मैं रिकॉर्डिंग से देख लूंगी। वो ठीक है, परसों बता दीजिए, परसों तो प्रॉब्लम नहीं है सर, 12:00 ले लीजिए। हाँ सर परसों नहीं, हाँ सर 12 बजे ले लूंगा, 12 बजे। हाँ जी सर 12 बजे सही है, स्कूल की क्लास होती होगी 12 बजे। नहीं सर अभी तो छुट्टी चलती है। चलो ठीक है, मैं डालकर मैं ग्रुप पर मैसेज डालूंगा, जिसको प्रॉब्लम हो तो बता देना, एक बच्चे को भी प्रॉब्लम होगी तो क्लास नहीं रखूंगा, फिर परसों रखूंगा। ठीक है, ओके सर। ठीक है सर, ओके, थैंक यू सर, बाय। थैंक यू सर, ओके जी, ओके, थैंक यू सर, बाय सर, ओके बाय बाय।